गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 उस टॉपिक इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। वी ड्रॉ टू लाइंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन है एम एंड एन, तो ये हमारे पास आमने सामने है, इन टू लाइन्स को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जो लाइन हमारे पास टू या मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। जैसे इस लाइन को ले लेते हैं हम एल, एल लाइन ने एम और एन को इंटरसेक्ट किया पॉइंट पी और क्यू, तो ये जो एल लाइन आएगी वो हमारे पास आएगी ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद हमारे पास कुछ एंगल्स आते हैं, हम यहाँ पर एंगल की नेमिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं। जो एंगल हमारे पास बाहर वाली तरफ बन रहे हैं वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे। जैसे हमारे पास एंगल 1, 2, 7, 8, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और जो अंदर आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, दीज 4 एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स। सिमिलरली 2 एंड 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। उसी तरह से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास ऊपर वाली लाइन M थी, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब उसने टू लाइंस को इंटरसेक्ट किया, अगर हम ऊपर वाला एंगल लेंगे 1, तो नीचे वाली लाइन N का भी हमारे पास ऊपर वाला एंगल आएगा जो यहाँ पर लिखा है 5। दैट्स वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़े, वो हमारे पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये सारे रीजंस हम एक्सरसाइज 6.2 में यूज करेंगे। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर वन का हमारे पास डायग्राम जो है वो इस तरह से दिया है। तो ये लाइन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। टू हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, वो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से हम गिवन, यहाँ हमारे पास एंगल गिवन है 50 डिग्री, देन यहाँ हमारे पास गिवन है वाई के ऑपोजिट है 130 डिग्री, देन 50 के यहाँ ऑपोजिट साइड पे है एक्स। हमारे पास लाइन की नेमिंग दी हुई है ए बी, सेकेंड लाइन है सी डी। हमारे पास ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइन है, और हमारे पास जो ये लाइन है जिसकी नेमिंग दी हुई है यहाँ पर, हम कोई भी नाम दे देते हैं।